नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। दोस्तों, अब सरकार के खिलाफ निजी स्कूलों ने खोला मोर्चा। 22 अक्टूबर को करेंगे भूख हड़ताल। दोस्तों, आप देश प्रदेश के नागरिक हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, यदि आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो क्या प्राइवेट स्कूल वाले आपसे फीस मांग रहे हैं तो फिर इस प्रकार की मांग सरकार से प्राइवेट स्कूलों को नहीं करना चाहिए। चलिए विस्तार से पूरी खबर जान लेते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में अब निजी स्कूलों ने सरकार के खिलाफ विरोध का बिगुल बजा दिया है। कोरोना काल में प्रभावित निजी स्कूलों ने कई मांगे सरकार के सामने रखी हैं। 21 अक्टूबर तक अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो 22 अक्टूबर से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मध्य प्रदेश में भूख हड़ताल करेगा। इसके बाद धरने पर प्रदर्शन होंगे। धरना प्रदर्शन के दौरान प्रदेश भर के 45,000 से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत सिंह ने बताया कि राज्य सरकार की तरफ से अभी तक RTE स्कीम की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। इसके अलावा स्कूलों के ऊपर भवन लोन, बस लोन की किस्त भरने को लेकर भी सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं दी गई है। प्राइवेट स्कूलों के सामने बहुत सी समस्याएं हैं लेकिन सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। अब हमारे पास भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो मध्य प्रदेश में जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर पर एक दिन की भूख हड़ताल की जाएगी। इसके बाद प्रदर्शन शुरू होंगे। यह मांगे हैं, मार्च से लेकर अब तक बिजली, पानी और हाउस टैक्स माफ किया जाएगा। स्कूलों के ऊपर भवन लोन, बस लोन की किस्त भरने पर छूट मिले। प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों और स्टाफ के वेतन का भुगतान सरकार करे। कक्षा पहली से 12वीं तक की मान्यता 5 साल के लिए रिन्यूअल किया जाए। शासन ने सभी गतिविधियों को शुरू कर दिया है लेकिन स्कूलों को बंद रखा गया है। गाइडलाइन का पालन कराते हुए स्कूल को तुरंत संचालित करने के आदेश दिए जाएं। तो दोस्तों, प्राइवेट स्कूलों की इन मांगों से आप सहमत हैं या नहीं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और एक बात जरूर है कि इस प्रकार की मांग जब स्कूल प्राइवेट स्कूल वाले कर रहे हैं तो बच्चों की फीस माफ का भी वो कहें, क्योंकि अधिकतर 99% स्कूल जो है प्राइवेट, वो बच्चों से फीस मांग रहे हैं। तो दोस्तों, इस पर भी अपने विचार लिखें, जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें या फिर उनको फीस में डिस्काउंट दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।